पंजाब विधानसभा का बजट सेशन 20 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसी सेशन के समय बढ़ाने की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा के स्पीकर राणा केपी के निवास स्थान पर उनको सेशन का समय बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम दिया गया। अमन अरोड़ा ने कहा कि कानून के अनुसार एक साल में विधानसभा की 40 सीटें होनी चाहिए, जो कि कम होते होते ना के बराबर रह गई है। पंजाब के कई जबरदस्त मसले हैं जिन पर बहस होना जरूरी है। असी पिछले लंबे समय तो स्पीकर विधानसभा में मांग करते आ रहे हैं कि एज पर रूल्स एंड कंडक्ट बुक ऑफ विधानसभा ये साफ लिखे कि एक साल घट्टो घट 40 सीटिंग होनी चाहिए। रूल 14A तहत पिछले समय के दिन पर दिन यह घटता गया ट्रेंड और सिटिंग्स बहुत घट हो गई ने। अज पंजाब के इन्ने भसकते मसले ने, चाहे किसानों की खुदकुशियां हो, नौजवानों के बेरोजगारी होवे, माफिया राज होवे, हेल्थ और एजुकेशन का डिटेरेटिंग सिस्टम होवे और व्यापारियों का मसले हो, इन सारे इशूज़ नू सिर्फ महज 7 सिटिंगों के नहीं पंजाब के मसले असी लोग चक सकते। सो पंजाब के लोगों के मसले चकण के लिए असी मैं कुलतार जी ने हरपाल जी ने आम आदमी पार्टी वालों असी अज रिक्वेस्ट की है स्पीकर विधानसभा कि एज पर रूल 14A घट्टो घट 40 सिटिंग साल के होने चाहिए ने। तो यह बजट सैशन है जोड़ा 20 तरीक तो शुरू हो रहा है, ये घट्टो घट 20 सिटिंग्स होता इशूज़ ने जोड़े असी चक सकीए। जे इशूज़ नहीं चके जाएंगे लोगों की आवाज़ है जी सरकार तक किमें पहुँचेगी। पर बदकिस्मती दे नाल बार बार कहने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार वेले भी चरणजीत चन्नी होने जो LOP सके उदो उन्होंने भी डिमांड रखी, पर हम कांग्रेस की सरकार बनने तो बाद अणगौलिया होंदा रहा है। सो इस करके असी ओपोजिशन के कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की भूमिका निभानी चाहते हैं, तो जिम्मेदारी दे नाल लोगों के मसले चकने चाहते हैं। यही अज इशूज़ लैके स्पीकर साहब नूं मिले हैं, तो उन्होंने विश्वास दवाया कि वह बिजनेस जिहड़ा है उन्हूं देखते हुए। और मैं एक ना होर भी बेनती करनी चाहूँगा स्पीकर साहब नूं, असी बेनती की है कि विधानसभा का बिजनेस है जिहड़ा स्पीकर कस्टोडियन होंदे ने विधानसभा दे, तो पिछले लंबे समय तो हो ही रहा कि सरकार आपके कैबिनेट दे विच फैसला करके कि इन्नियां सिटिंग्स होणगीआं, सरकार को आपका बिजनेस होएगा कि उन्होंने की बिल लैके उन्होंने की डिस्कशन या डिबेट करनिया ने। पर विधानसभा के ओपोजिशन हूँ जो असी आपकी पार्टी की गल करिए तकरीबन 400 के करीब आम आदमी पार्टी वालों सवाल दिए जा चुके हैं, अणगिनत जोड़े रेजोल्यूशन ने वो दिए जा चुके हैं, 2 प्राइवेट मैंबर बिल दिए जा चुके हैं। जदों तक इन्हों चक्कन का सानू मौका नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स से डिस्कशन नहीं होणगीआं किवें पंजाब नूं अज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, बजट सैशन है, जे डिस्कशन नहीं होणगीआं तो किवें काम चलेगा। ये अज बेनती असी स्पीकर साहब नूं कीती है, तो मैनूं खुशी है और विश्वास है कि वो साडी इस बेनती नूं प्रवान करनगे ओपोजिशन की बेनती नूं, और ये जिहड़ा बजट सैशन है उन्हूं जरूर एक्सटेंड किया जाएगा। विधानसभा के स्पीकर राणा केपी ने मेमोरेंडम लेते हुए कहा कि यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा जरूर समझी गई तो सैशन का समय बढ़ा दिया जाए। पार्टी दे MLA साहबान अमन अरोड़ा जी और ने सारे साथियों ने मेमोरेंडम दिता है, इन्हों का कहना है कि यह सैशन जड़ा है यदि म्याद कुछ वाधा किया जाए। सो इन लीडर ऑफ अपोजिशन की भी एक चिट्ठी आई है, मैंने असी वर्कलोड देख के कि किन्ना कम है, बिजनेस किन्ना है साढ़े को, सो इस गलते जरूर गौर करांगे। जे बिजनेस ने डिमांड की कि समा होर चाहिए तो इस गलते जरूर गौर करके यतन करांगे कि जिहड़े मसले है उन्हां ते डिस्कशन हो सके, डिबेट हो सके, और सारिया ही राजनीतिक पार्टियां दे जिहड़े साडे नेता साहिबान है ये अपनी गल विधानसभा च रख सकन।